गाइस, नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज हम जा रहे हैं करनाल। करनाल में एक वैद्य है, वो कमर में मेरी डिस हो गई है और उससे परेशानी बहुत हो रही है। और एक मेरी माजी हैं, ननद की सास है, उनकी भी डिस हो रही है। वो पलवल से आ रही हैं और अब बज चुके हैं सुबह के 5। हमें अभी निकलना है और खुशी बना रही है, हमारी बना रही है पराठे ले जाने के लिए, बांधने के लिए, नाश्ते के लिए। और ये बन रहे हैं इधर पराठे, पराठे बना कर रख लिए हैं किसी ने, तैयारी कर दी है हमारी जाने की। गाइस दूर है, नाश्ते के लिए पराठे बन रहे हैं लेके जाने के लिए। अभी हमारी ननद और वो आने वाली है, 6 बजे तक पहुंच जाएंगी। 6 बजे के करीब हम यहाँ से निकलेंगे। कौन आ रहा है उनका, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये चटनी आलू के पराठे घर पे बना रही है। रही है नाश्ते के लिए सुबह सुबह, हमें निकलना है। बारिश पड़ रही है बहुत जोर की, रोड पर बहुत सारे में बारिश ही बारिश हो रही है। 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है, माजी को बारिश में ही लेके जा रहे हैं हम। माजी जी परेशान हो रही है हमारी, सर्वाइकल हो गया है। ये हमारी ननद रानी जा रहे हैं, दवाई दिलवा के लाएंगे, दिखाएंगे डॉक्टर जी कैसे हैं। अरे बारिश की वजह से थोड़ा गंदा आ रहा है, शीशा गंदा हो रहा है। बारिश भैया का टोल प्लाजा है, ये सीएमसी पे ही है। आ गए हैं टोल पे, टोल कटवा रही है। अरे रही तो फिर बहुत खतरा हो गया। ये गाइस रेत गरम हो रही है तो माजी के कमर में दर्द हो रहा है, तो माजी गई थी पानीपत से आ गए। एक जगह पड़ती है करनाल, तो माँ जी वहाँ पे गई थी किसी वैद्य के पास, तो उन्होंने बताई है रेत की सिकाई करने के लिए। तो यहाँ पे चाची रेत गरम कर रही हैं, इसमें तो धुएं भी निकलने का है, देखो। गाइस मैं पानीपत गई थी तो वहाँ पे ना ये सिकाई बताई है रेत की, और इसको ऐसे बोला पलट दे सब, पलट दे सबको, उसको पोटली सी बना के रेत की और उसमें गांठ लगाओ, सरक पुन सी लगा लेगी। ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना चार कोने पकड़ो, एक कोन ऐसे ना पकड़। आ
ये बनाई है पोटली, अब इससे सिकाई होगी कमर की। आज आप सबरी भारत चले गए। तो गाइस माजी के यहाँ पे पट्टी बंध रही है और माजी के ऐसे ही नीचे भी बंध रही है वहाँ पे कमर पे। देखो यहाँ पे एक पट्टी बंध रही है, चाची सिकाई कर रही है रेत से। दिखाया था मैंने आपको रेत गर्म कर रही थी चाची, तो उससे सिकाई हो रही है। गाइस वहाँ पे ना पैर की एड़ी मार के करते हैं डिस्को, तो उससे ना चोट लग जाती है। और तुम मेरी ना कमर में ज़्यादा सूजन बताई है उन्होंने, कह रहे सूजन है, सूजन की वजह से मेरे में दर्द रहता है। नस है ना डिस जाम हो गई है उसकी, डिस की नस। और पैर की एड़ी मार के करते हैं तो बहुत दर्द होता है गाइस वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो नहीं बनाने देते वहाँ पे। मैंने कहा बाबा वीडियो बना रहे हैं, कह रहे नहीं वीडियो नहीं बनानी बेटा, तो वो पैर से एड़ी से करते हैं तो वो ऐसे करके वीडियो नहीं बनाने देते अपने वहाँ की। गाइस बहुत दिक्कत हो रही है मेरी डिश में, और सीढ़ी चढ़ने को तो बिल्कुल मना कर रखा है, मेरे को घर में ही रहना है 5-6 दिन। गाइस वीडियो भी ऐसे ही बनाऊंगी मैं, और बड़ा मुश्किल है। खुशी कर रही है सिकाई, निकुंज बना रहा है वीडियो। गाइस बांध दिया है सारा, कमर में भी पट्टी बंध रही है और ये कोठे पे भी पट्टी बंध रही है, सारा बांध रखी है ये। बड़ी परेशानी है गाइस, किसी को टेस्ट करवानी हो तो करनाल जाओ, करनाल में हूँ बाबा, करनाल में करते हैं जिसको। कल गए थे और एक दिन और गए थे पहले, बार दो बार जाना पड़ता है, बताते तो 3-4 बार है। तो गाइस अभी सिकाई करवाई है मैंने, सिकाई रेत वाली सिकाई होती है, और रेत वाली सिकाई बताते हैं कि रेत वाली सिकाई करनी है। अब रेत वाली सिकाई करा ली है गाइस मैंने, और देखते हैं अब रोज ऐसी सिकाई होगी। और ऐसी पट्टी बांध रखी है कमर पे भी और या कोठे पे भी, ये मेरे सारे दर्द करता है, पता नहीं क्या, उठता भी नहीं है ऊपर को, तो बता रहे हैं कि नस ब्लॉक हुई होगी ये। गाइस मेरे ना बहुत 3-4 साल पहले ज़्यादा डिस हुई थी ज़ोर से, तो उसमें ना मैंने ना एक इंजेक्शन लगवाया था न्यूरोब्रोन के इंजेक्शन, वो जाड़े थे, जाड़े ने में इंजेक्शन लगवाओ तो उससे दिक्कत बनती है, और उसकी वजह से ना मेरी सारी शरीर में ना गांठ गांठ सी बन गई है, हाथों में भी गांठ, पैरों में भी गांठ, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। फिर मैं अब दोबारा डिस कराने गई तो उन्होंने कहा है कि रेत की वो करवाना, सिकाई करना, और रेत की सिकाई करिए गाइस। और यही थी वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस, और देख के बताना वीडियो कैसी लगी है आपको। और गाइस वीडियो को देखो, और मेरे आप वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। बाय बाय, टाटा।